हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम खरीफ क्रॉप में जूट की खेती के बारे में, यानी कोरकस स्पीसीज। देखते हैं कोरकस स्पीसीज के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है कोरकस स्पीसीज होता है, वर्ड निकल नेम। रही बात तो इसके अंतर्गत चार प्रजातियां हैं, ठीक है, स्पीसीज है, जिसमें कि दो मुख्य हैं आपकी, ठीक है, चार हैं बट इसमें दो मुख्य हैं आपके, कोरिकस ओलिटोरियस और कोरिकस कैप्सुलेरिस, कोरिकस ओलिटोरियस और कोरिकस कैप्सुलेरिस। ये जो है दोनों व्यवसायिक रूप से कल्टीवेटेड की जाती है, ठीक है, उगाई जाती है। आपका जो कोरिकस ओलिटोरियस स्पीसीज है, इसका जो उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका मिलता है। क्या अफ्रीका पाया जाता है, या उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, जिसे तोसा पाट या सोना पाट या मीठा पाट के नाम से भी इसे जानते हैं, जो ओलिटोरियस आपकी जूट है, ठीक है। विशेषता क्या होती है इसकी, चमकीला पाया जाता है इसका रेशा, मजबूत भी होता है और मुलायम भी होता है। ये सारे गुण होते हैं इसके रेशे में, ऐसे रेशे पाए जाते हैं जो चमकीला भी होता है, मजबूत भी होता है और मुलायम भी होता है। फिर दूसरी है कोरिकस कैप्सुलेरिस लेरियस, इसका उत्पत्ति स्थल इंडो वर्मा पाया जाता है। क्या है, इंडो वर्मा है, जिसे आप सफेद जूट या देसी जूट या ढाका जूट के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, ढाका जूट, ठीक है। जो आपका कोरिकस कैप्सुलेरिस होता है, उनकी पत्तियों में जो कड़वापन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कड़वाहट पाई जाती है, वो किसके कारण पाया जाता है, ग्लूकोसाइड एंड कारकोरिन के कारण पाया जाता है। किसके कारण, जो कड़वाहट होती है इन दोनों में कड़वापन, कड़वापन किसके कारण होता है, ग्लूकोसाइड और कारकोरिन के कारण होता है, ठीक है। इसके जो रेशे होते हैं मुलायम तो होते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते हैं, बट यूज किया जाता है कमर्शियली रूप से। आपका कोरिकस ओलिटोरियस ये भी व्यावसायिक रूप से यूज किया जाता है, और कैप्सुलेरियस लेरिस ये भी यूज किया जाता है, बट कोरिकस एंटीकोरस और कोरिकस एक्यूटेंगुलस ये दोनों जो है कमर्शियल रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं। इनका उपयोग जो है व्यवसाय के रूप में नहीं होता, व्यापार के रूप में नहीं होता। ये दोनों जो है आपकी जंगली प्रजातियां हैं। फिर आगे बात करते हैं इसमें फैमिली कौन सी होती है, किस फैमिली से बिलोंग करता है कोरकस स्पीसीज, टेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोमोसोम नंबर इनके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n = 14 होती है। फिर बात कर लेते हैं ओरिजिन के, तो ओरिजिन इसका जो है इंडो वर्मा एवं अफ्रीका है। क्या है, इंडो वर्मा एवं अफ्रीका है, क्लियर। फिर उसके आगे बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्षेत्र एवं क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण जिसके प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जूट के प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है, तो आपका वेस्ट बंगाल करता है। क्या करता है, कौन सा राज्य करता है, वेस्ट बंगाल करता है। प्रोड्यूसिंग मोर देन 80%, यानी कि 81% से भी अधिक आपका जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है जूट का उत्पादन करता है। फिर आगे क्या कह रहा है, इंडिया टोटल प्रोडक्शन 10 मिलियन, कितना टोटल प्रोडक्शन का 10 मिलियन, ठीक है, प्रोडक्शन करता है। फिर कह रहा है बेल ऑफ 180 kg ईच, बेल, बेल क्या होती है, जो बेल होती है, बेल जो है इसकी एक गांठ होती है, बेल का मतलब गांठ होता है, क्या होता है, गांठ होता है, ठीक है ना, जूट की एक गांठ होती है, उसका वजन कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है, क्लियर इतनी बात। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड अदर ग्रो जूट आर, यानी कि और अन्य जगह कहां कहां पर जूट का कल्टीवेशन होता है और कहां कहां पर उगाया जाता है, कहां कहां पर इसकी खेती होती है, तो आपका असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और मेघालय, त्रिपुरा,
और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी का ईस्टर्न पार्ट जहां पर जूट का कल्टीवेशन होता है। तो ये रही कुछ मुख्य बातें एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट, जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके लिए। तो जूट कल्टीवेशन फॉर द बेस्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो है आर्द्र एवं गर्म जलवायु उसके लिए जो है सबसे बढ़िया होती है। फिर कह रहा है द मोस्ट आइडियल टेम्परेचर, यानी इसके लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए इसके क्रॉप के लिए, फसल को कल्टीवेट करने के लिए, तो 24 to 37 अनसेल्सियस टेम्परेचर बढ़िया होता है इसकी खेती के लिए। ठीक है, तो जान लिया हमने कैसी क्लाइमेट में इसकी खेती की जाती है, तो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल यानी गर्म एवं आर्द्र जलवायु में। ठीक है, उसके लिए खेती के लिए सबसे बढ़िया तापमान क्या होता है, तो 24 to 37 अनसेल्सियस होता है। अगर बात कर ले ऑप्टिमम टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले तो 35 अनसेल्सियस इज बेटर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मृदा, मृदा कैसी होनी चाहिए जूट की खेती करने के लिए, जूट के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए। तो मृदा तो लगभग हर प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, तो जूट की खेती हर प्रकार की मृदा में की जा सकती है, मतलब ऑल टाइप सॉइल में कल्टीवेटेड किया जा सकता है। लेकिन जूट की अच्छी खेती या अच्छा प्रोडक्शन कह ले उसके लिए हमें खेती कैसी होनी चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट लेटेराइट लोमी सॉइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जो कि सबसे उपयुक्त होते हैं बलुई दोमट लेटेराइट एंड दोमट मृदा जो है सबसे बढ़िया होती है, जिनका पीएच मान 5 to 8 है तो अच्छे से सर्वाइव करती है। कहने का मतलब अच्छे से फसल उसमें ग्रो करा सकते हैं जिसका पीएच जो है 5 to 8 हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं महत्व की, क्या महत्व है रेशे का, तो सभी लोग जानते हैं आजकल जैसे कि कोई पायदान हो गया जूट का, बोरा हो गया, सुतली हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब जूट के रेशे से ही बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं, इतना भी यूज हो रहा है ना। जैसे मोटा कपड़ा बनाने में, क्या बनाने में, मोटा कपड़ा बनाने में, बोरा बनाने में, कालीन बनाने में, रेशे बनाने में, और इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, कागज बनाने में। तो इस तरह के महत्व है, उपयोग है, कमर्शियली रूप से बहुत अधिक मात्रा में बोरा वगैरह बनाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में है, क्या है महत्वपूर्ण किस्में, किस्मों के अंतर्गत पहला किस्म है वैशाली टोसा, दूसरी है चैताली टोसा, फिर वासुदेव, नवीन, सोनाली, साबुत सोना, श्यामली, शंकर सी, ये हाइब्रिड वैरायटी है, एक माधुरी, PBO6, JRC 698, विधान पंथ। हाँ, तो आगे बात करते हैं सीड रेट की, सीड रेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सीड रेट जो होता है कैपिलरीज स्पीसीज का, अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अपना रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लाइन में अपना रहे हैं तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्लियर। फिर ओलिटोरिस, ये दोनों आपके कमर्शियली स्पीसीज होंगी, ठीक है ना, इसमें 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो लाइन में बुआई की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं सोविंग टाइम क्या होता है, तो अप्रैल मई का महीना होता है सोविंग टाइम होता है। ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में बुआई की जाती है। फर्टिलाइजर का रेशियो क्या होता है, आपके जो ये 40-20-60 एन नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटास आपका 40 किलोग्राम, ये जो है आपका किस स्पीसीज का होगा, कैप्सुलेरिस का होगा, और ये 60-20-20 ये भी एनपीके है, ये दूसरे स्पीसीज का होगा ओलिटोरिस का। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी बात की है, फिर उसके बाद बात करते हैं इरिगेशन,
इरिगेशन देखते हैं, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक दो तीन सिंचाई देनी पड़ती है, ठीक है। कितने दिनों के? दो तीन सिंचाई देनी पड़ती है 15 से 20 दिनों के अंतराल पर। कितने दिनों के अंतराल पर? 15 से 20 दिनों के अंतराल पर जो है सिंचाई करनी पड़ती है। अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो कम से कम नहीं तो 15 से 20% जो है उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। कितने परसेंट? 15 से 20%, ठीक है। कब करनी चाहिए? रेनी सीजन के पहले बोई जाती है, तो कहने मतलब बुआई के बाद, जब तक बरसात नहीं होती तब तक। बरसात में फिर पानी की या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद बात करते हैं वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। जैसे कि जानते हैं पहले कर्षण क्रिया, कर्षण क्रियाओं के माध्यम से हम जो प्राथमिक निराई गुड़ाई करवाते हैं उसके माध्यम से निकाल देते हैं, ठीक है। निराई गुड़ाई के माध्यम से जो है हम खरपतवार खत्म कर देते हैं, ये तो प्राथमिक क्रिया होती है। नहीं तो हम डेकोनेट रसायन का प्रयोग करते हैं या डेलोपॉन, डेकोनेट या डेलोपॉन। डेकोनेट की मात्रा 10 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं और डेलोपॉन की 8 से 10 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गई आपकी मैन्यूरिंग और इरिगेशन, वीट कंट्रोल। फिर उसके बाद फसल तैयार होगी आपकी, तो क्या किया जाएगा? हार्वेस्टिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? हार्वेस्टिंग, कटाई होगी। तो हमारी फसल कितने दिन में तैयार होगी? जो आपकी ओलिटोरियस है, ओलिटोरियस, ये 4 से 5 माह में आपकी तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 4। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसीज है तो आपकी ओलिटोरियस है, ओलिटोरियस है। कौन सी है? ओलिटोरियस। फिर उसके बाद ये, क्योंकि ओलिटोरियस का जो रेशा होता है चमकीला भी होता है, मजबूत भी होता है, मुलायम भी होता है। बट कैप्सुलेरिस का जो है मुलायम तो होता है लेकिन मजबूत कम होता है, ठीक है। तो इसके जो पकने का समय है परिपक्व होती है 6 से 7 माह में होती है। कितने माह में? 6 से 7 माह में होती है, क्लियर इतनी बात। कितने दिन में तैयार होगी? 6 से 7 माह। फिर उसके बाद आता है रेटिंग। रेटिंग क्या होता है इसमें? रेटिंग जो है कटाई के बाद की जाने वाली क्रिया होती है, क्योंकि जूट का जो है, जूट मुख्य फसल है, किसके लिए मानी जाती है? रेशा के लिए मानी जाती है। जूट जो है मुख्य फसल है, किसके लिए? मुख्य फसल रेशा के लिए। किसके लिए? रेशा उत्पादन के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? रेशा उत्पादन। तो इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है आपका रेशा, क्लियर बात। तो कहने का मतलब हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद उससे हमें रेशा प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? तो रेटिंग की क्रिया की जाती है। रेटिंग में क्या होता है, चलो देखते हैं रेटिंग में क्या होता है। तो रेटिंग में पहले तो हम रेटिंग, ठीक है, रेटिंग में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो जो हमारा जो पौधे हैं, पौधे के जो बंडल हैं उनको बंडल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बंडल बना लेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास वाले। कितने? 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि जो बंडल होंगे वो 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले होंगे, ठीक है। बंडल बना लेंगे, फिर रेटिंग का मतलब होता है सड़ाना, ठीक है ना। रेटिंग का मतलब क्या होता है? सड़ाना। अब उन गट्टरों को जो है पानी में सड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम सड़ाएंगे नहीं उससे, तब तक जूट से रेशा अलग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जूट से रेशे को निकालने क्रिया ही रेटिंग कहलाती है। जूट से सड़ाकर उसके रेशे को निकालना ही रेटिंग कहलाती है। तो क्या करते हैं, सड़ाने के लिए हम गट्ठरों को, किसको सड़ाने के लिए हम गट्ठरों को जो है पानी में डुबोते हैं। क्या करते हैं? पानी में डुबोते हैं कम से कम 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी में, गहरे पानी में स्टिपिंग करते हैं। क्या कहते हैं? स्टिपिंग। स्टिपिंग बोले तो दबाया जाता है, ठीक है ना। स्टिपिंग बोले तो दबाया जाता है। और यह विशेष ध्यान होना चाहिए कि जो गट्ठर दबाया गया उसके ऊपर 20 से 25 सेंटीमीटर पानी
सदैव बना रहा है, कितना 20 से 25 सेंटीमीटर पानी उसके ऊपर बना रहा है। क्लियर इतनी बात। और उसके बाद क्या होता है, एक कुंटल जूट को, एक कुंटल जूट को जो है लगभग लगभग 200 घन फुट, कितना एक कुंटल जूट को लगभग 200 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है, घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक कुंटल जूट को सुड़ाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, 200 घन फुट की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये जब हम दबा देते हैं तो ये प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होती है, यानी सड़ने वाली प्रक्रिया, ये जो है कम से कम 25 से 30 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है, 25 से 30 दिन का समय लेता है। क्लियर, 25 से 30 दिन का समय लेता है। ये प्रक्रिया जो सड़ने वाली होती है, ये एक तरह की जैविक क्रिया होती है जो कि तापमान व पानी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। कैसी क्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है। तो डिपेंड किस पर होती है, पानी व तापमान पर, ठीक है। अच्छा, इसके तापमान अधिक होने पर इसको जो है कम समय में भी सड़ाया जा सकता है। अगर इसी में पानी में हम अमोनियम सल्फेट व हड्डी का चूरा, अमोनियम सल्फेट व हड्डी का चूरा डालने से जो है कम समय में हम इसको सड़ा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर ना इतनी बात। तो और उसके ऊपर रखने के लिए पत्थर वगैरह का प्रयोग करते हैं दबाने के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बात समझ में आई कि रेटिंग क्या होता है। रेटिंग सीधी सी बात, जूट जो है मुख्य फसल है किसका, रेशा उत्पादन का। तो रेशा उत्पादन का है तो रेशा निकालना है, ठीक है ना। यानी कि जूट से रेशा निकालने की क्रिया ही रेटिंग कहलाती है, और किस तरीके से निकाला जाएगा उसके बारे में जानना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बंडल बनाएंगे, पौधों के बंडल बना लेंगे। किस आकार के होंगे बंडल, 15 से 20 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक, जो कि पकड़ने में आसानी रहे, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बंडल बनाए जाएंगे, और बंडलों को जो है गहरे पानी, 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी में दबाया जाता है। दबाने के लिए आप आम की लकड़ी, केला की लकड़ी, ये सब जो है पेड़ ले सकते हैं, या पत्थर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान ये भी रहे कि जो हमने दबाया उसको 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे पानी में, यानी कि जो दबा हुआ बंडल है उसके ऊपर जो 20 से 25 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, ठीक। फिर आगे बात ये कही जा रही है कि एक कुंटल जूट को सड़ाना है तो कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो लगभग 200 घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी एक कुंटल जूट को सड़ाना है। तो सड़ाकर ही आप रेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया 25 से 30 दिन में कंप्लीट होती है। अच्छा, ये होने वाली प्रक्रिया कैसी होती है, जैविक होती है। कैसे होती है, जैविक होती है, सड़ना क्योंकि एक जैविक क्रिया है, ठीक है। तो पानी व तापमान के कारण क्या होता है, ये एक जैविक क्रिया है, ठीक है ना। अगर इसको जल्दी सड़ाना है तो अमोनियम सल्फेट व हड्डी का चूरा प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका रेटिंग, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। फिर अब इसके आगे हम बात करेंगे ये कि ये तो सड़ाने वाली प्रक्रिया हो गई, जब तक सड़ाएंगे नहीं तब तक जो है हम रेशा निकाल नहीं सकते। अच्छा, इतनी बातें हुई, इसके बाद हम बात ये करेंगे कि क्या कोई सावधानियां भी होनी चाहिए। तो सावधानियां क्या होनी चाहिए कि जब हम रेटिंग करने के लिए तैयार होते हैं, सड़ाने के लिए उनके बंडलों को बनाते हैं, तो उससे पहले जो है सावधानियों में देख लीजिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ठीक है। सावधानियां सबसे पहली बात कि कटाई के बाद 4-5 दिन, 4 से 5 दिनों तक खेत में ही सुखाना चाहिए, क्या खेत में सुखाना चाहिए, ठीक है, सुखाना चाहिए, ठीक है। उनके पौधों को 4-5 दिनों तक सुखाना चाहिए, फिर उसके बाद उनके बंडलों को बांधना चाहिए, ठीक है। और बंडलों की जो मोटाई है ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
20 से 25 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सावधानी होनी चाहिए। जिस पानी में हम डुबो रहे हैं वो बहता हुआ पानी हो तो ज्यादा बेहतर होता है ना। दूसरी बात क्या है, बहता हुआ पानी ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि स्थिर पानी में क्या होता है, आयरन अधिक होता है। जब आयरन अधिक होता है तो क्या करता है, जिससे क्या होता है, आयरन अधिक होने की वजह से उसके जो रेशा होता है उसकी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ जाता है। तो एक चीज तो यह हो गई। फिर अगली नेक्स्ट बात यह है कि हमें बहते हुए पानी में इसको करना है। दूसरी चीज और क्या सावधानी करनी है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी विशेष ध्यान देना होगा कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। लगभग 85 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए टेम्परेचर, 85 अंश फ़ारेनहाइट उतने समय होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान देना होना चाहिए कितने गहरे कागज हम दबा रहे हैं और उसके ऊपर पानी है कि नहीं, 20 से 25 सेंटीमीटर उसके ऊपर होना चाहिए। और जैसे एक क्विंटल जूट बताया गया है तो 200 घन, अगर इससे कम पानी होगा तो सही तरीके से सड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर 20 से 25 दिन का समय लगता है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो अमोनियम सल्फेट व हड्डी का चूरा ये सब प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ जो कि जानकारी होनी चाहिए जूट को सड़ाने के लिए, ठीक है। तब आप स्ट्रेट कर पाएंगे, रेशे को निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन से स्ट्रेट रेशा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी दो विधियां हैं। एक होता है आपका एक एक पौधे से रेशा अलग करना, एक विधि होती है एक एक पौधे से रेशा अलग करना और एक विधि होती है आपकी मूठा विधि। कौन सी विधि होती है, मूठा विधि। ये दो विधियां होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक एक रेशा निकालने वाले में, ठीक है ना, जब पौधे इसके सड़ जाते हैं, ठीक है ना, जब इसके पौधे, जैसे पहला मेथड है एक एक पौधे से रेशा निकालना, तो जब पौधे सड़ जाते हैं तो उनके एक एक पौधे को उठाकर उससे रेशा को निकाल लिया जाता है, ठीक है। और उससे ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, एक एक पौधा उठाएंगे और उससे रेशा निकाल लेंगे, ठीक है। और एक इस विधि में जो है एक व्यक्ति लगभग 40 केजी ही रेशा एक दिन में निकाल पाता है, एक दिन में प्रतिदिन, ठीक है ना, एक व्यक्ति जो है 40 किलोग्राम। और जो मूठा विधि होती है, मूठा विधि में क्या होता है, आपके जो जितने मूठा आता है हाथ में, ठीक है, उसके जो पेड़ी वाला हिस्सा होता है जिधर जड़ होती है, जड़ों वाले हिस्सों को लेते हैं और कुछ हल्के जैसे हथौड़ी में, जैसे लकड़ी का हथौड़ा या मुंगरी टाइप का होता है, उससे पीटते हैं और पीटने के बाद उससे रेशे को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार करते हैं मूठा विधि में, कहने का मतलब। तो इसमें लगभग एक व्यक्ति 50 किलोग्राम ही प्रतिदिन पर डे जो है निकाल पाता है। तो ये था विधियां थी, कहने मतलब एक एक वाले में क्या होगा, जब सड़ जाएगा तो पौधे को एक एक लेकर उससे रेशा निकालेंगे। और मूठा विधि में क्या होगा, मूठे में जितनी आती है उनको लेते हैं और जड़ों की तरफ जो है उसके किसी लकड़ी से यानी या वजनदार हल्का उससे पीटते हैं और पीटने के बाद उनकी लकड़ियां जो है टूट जाती है और रेशा बच जाता है, तो उस तरीके से निकाल लिया जाता है। तो वो होती है मूठा विधि, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जैसे कि उपज की, तो उपज लगभग इसकी एल्ड की बात कर लिया जाए तो प्राप्त होती है 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी प्राप्त होती है, 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और कुछ स्टेट हैं जहां पर कुछ कम भी होता है, क्लाइमेट का असर होता है। तो ये जो है एवरेज है 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। रही बात जैसे क्वालिटी या गुड की बात रही, तो कहने का मतलब जैसे कि व्यवसाय में
जूट की क्वालिटी क्या है, जैसे रेशे की लंबाई और उसका रंग, मजबूती, चमकीला, ये सारी चीजें इसके गुण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, बारीकपन, जैसा टूटा तो नहीं, ये सारी चीजें इसकी क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर जैसे कि बात करते हैं रेशों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं, तो आपकी जो कल्टीवेशन करते समय आपकी जलवायु हो गई, मृदा हो गई, तापमान हो गया, पानी यानी इरिगेशन हो गया, फिर सड़ने में कोई ना कोई समस्या आ जाए, कहने मतलब सड़ाव सही से हुआ या नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट बात ये भी हो सकती है कि जूट की जो जातियों का भी प्रभाव हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिपिंग सही तरीके से आपने पानी में दबाया नहीं, कुछ हिस्सा दबा रहा, कुछ नहीं दबा रहा, और खाद, उर्वरा, निराई गुड़ाई, ये सारे जो है आपके जो कारक के रूप में आएंगे। किसके कारक के रूप में आएंगे, तो वो रेशे के गुणों में जो प्रभाव डालते हैं उन कारक के अंतर्गत ये सारी बातें होंगी, ठीक है। हाँ,